हेलो बच्चों, आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले तो हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जो स्टडी करती है, दैट स्टडीज मैटर, इट्स कंपोजिशंस फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री क्या है? साइंस है जो स्टडी करती है मैटर के बारे में, उसकी मैटर की कंपोजिशन के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए मैटर। मैटर क्या है? विच ऑक्युपाइज space and has mass। जैसे क्या है मैटर? मैटर क्या है? मैटर जो कि स्पेस घेरता है और इसका मास होता है। जैसे हम क्या ले सकते हैं? स्टोन। स्टोन क्या एक मैटर है। स्टोन का कुछ वेट भी होता है और वो स्पेस भी घेरता है। देन मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशंस। केमिकल क्लासिफिकेशन पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। ये जो मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिए है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है? जिसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड क्या होता है? जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड फिक्स्ड शेप होती है। जैसे एग्जांपल में स्टोन। स्टोन में क्या होते हैं? जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल में हम आयरन रॉड भी ले सकते हैं और भी अदर्स एग्जाम्पल हैं इसके। देन है हमारा लिक्विड, विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर शेप नहीं होती है। डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। जैसे
वाटर है, वाटर में जो एटम्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। जो वाटर है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में इसको डालते हैं वो उसी शेप का हो जाता है। एग्जाम्पल है इसके वाटर, ऑयल एक्सेट्रा, देन गैसेस, नाइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप, नाइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। इसमें क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। एग्जाम्पल है इसका जैसे एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। देन केमिकल क्लासिफिकेशन में है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, ओनली विच कंसिस्ट्स ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, सोडियम। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है। सिल्वर, सॉरी लिथियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। फिर है हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रपोर्शंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रपोर्शंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, तो वाटर जैसे कहीं पे भी जाएंगे तो वाटर की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो सेम रहती है, चाहे हम वाटर टैप से लें या नदियों से लें या ओशन से लें, कहीं से भी लें तो जो इसकी प्रोपोर्शंस है वो सेम रहती है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो ये हर जगह 1:8 में ही मिलेगा हमें। अदर एग्जांपल भी हैं इसके, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। देन एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।
इसके बारे में भी हमने टीवीएस क्लासेस में पढ़ा है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसमें मेटल्स क्या होते हैं, जिसमें लस्टर होती है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और मेटल्स जो है मैलिएबल होते हैं, जो जब हम इसको, जैसे कोई भी मेटल है उसको हैम्बर से हम क्या कर सकते हैं, सीड्स बना सकते हैं। और मैलिएबल, मैलिएबल क्या है, जिससे हम वायर्स ड्रॉन कर सकते हैं। और सॉलिड, और ये हमेशा क्या मिलते हैं, हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेप्ट मर्करी को छोड़ के, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। They are malleable and ductile, ductile example में है, जैसे क्या हो सकते हैं इसके example में, जैसे gold हो गया, aluminium हो गया, iron हो गया, ये सारे क्या है, हमारे metals हैं। गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स क्या हुआ है, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट एंड डू नॉट पोसेस लस्टर्स, ठीक है। ये ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, एक्सेट्रा। और मेटलॉइड्स क्या हुए, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दे शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल, विस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये ऑब्टेन होता है एनिमल्स और प्लांट्स से। जो कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल्स एंड प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, फैट्स और प्रोटीन, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक्सेट्रा। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें मिलते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम मिनरल एंड रॉक्स, मिनरल एंड रॉक्स, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये
सॉल्ट है, जैसे हम घर में भी यूज करते हैं जिसको खाने के लिए, रॉक सॉल्ट। अनदर एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम एक्सेट्रा। देन हमारा है मिक्सचर, मिक्सचर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, जिसमें वन फेज होता है, और हिट्रोजीनियस मीन्स जिसमें डिफरेंट फेज होते हैं, मोर देन वन फेज। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर में इट कंसिस्ट ऑफ वन फेज, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क एंड एयर, और हिट्रो मतलब डिफरेंट फेज फॉर्म होते हैं, मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर एक्सेट्रा, दैट्स ऑल। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशंस एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। में फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा, और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में पढ़ा। प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ा। एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है थ्री टाइप्स में, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, और कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोजेनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। दैट्स ऑल, थैंक यू।